जीवन व्यवहार में पालन करना है सुबह से निश्चय करना है पांच आज्ञा में रहना है कैसे रहना थोड़ा समझ लेने का कि सभी जीव मात्र को शुद्धात्मा स्वरूप से देखें घर की व्यक्तियाँ हस्बैंड है वाइफ है तो रिलेटिव में वाइफ रियल में शुद्ध आत्मा रिलेटिव में हस्बैंड रियल में शुद्ध आत्मा ऐसे दो दृष्टि से व्यवहार करें रात को सोने के टाइम में शुद्धात्माओं ध्यान करके सोए सुबह उठे तो ये निश्चय करने पांच आज्ञा में रहना है और पांच आज्ञा भी पहली दो आज्ञा प्रत्येक जीव मात्र को आत्मा स्वरूप से देखना है तीसरी आज्ञा हुआ सुव्यवस्थित काम नहीं हुआ बिगड़ गया जल्दी करना चाहते थे तो संजोग नहीं मिल पाते के संजोग के आधार से कार्य पूरे होते संजोग नहीं पूरे हो, मिले तो संजो कार्य अधूरा रहेगा तो हुआ सुव्यवस्थित किसी का दोष नहीं निकालना है और मैं शुद्ध आत्मा हूँ दीपक जुदा है ऐसे आपकी जागृति रखनी मैं शुद्ध आत्मा हूँ चंदू जुदा है और जो भी व्यवहार हो रहा है रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक सरकम सेंसल एविडेंस संजोग मिलेंगे तो कार्य पूरा होगा नहीं मिल पाए तो कार्य अधूरा रहा बाद में संजोग मिलेंगे तब पूरा होगा टाइम स्पेस एविडेंस निमित्त सब मिलके कार्य होता है किसी एक व्यक्ति को गुनेगार देखना नहीं है और वही निर्दोष दृष्टि के जितना व्यवस्थित का ज्ञान वापरेंगे कोई दोषित नहीं दिखेगा निर्दोष दृष्टि रहेगी और फाइल यानी ऋणानुबंध के हिसाब राग या द्वेष के हिसाब से हम फैमिली मेंबर सब राग द्वेष के हिसाब वाले इकट्ठा होते हैं हस्बैंड है वाइफ है ज़्यादा स्टिकी फाइल वन टू थ्री फोर तो संभाव यानि राग द्वेष से हिसाब में आए हैं समता भाव में रहने से हिसाब छूटते जाएंगे संभाव यानी क्या है कि कोई अपमान करे तो द्वेष नहीं मान सम्मान करे तो राग नहीं समभाव कोई हेल्प करे तो उसके ऊपर राग नहीं करना है कोई नुकसान करे उनके ऊपर द्वेष नहीं करना है समभाव रखना है ये रहेगी जागृति पहले मैं ही चंदू मुझे कितना कंट्रोल करने का कितना एडजस्ट करो रिएक्शन आते थे अभी मैं शुद्ध आत्मा हूँ चंदू जुदा है चंदू रहेगा स्वभाव में क्योंकि हम जुदा हो गए तो समझ में आता है कि हिसाब पूरा हो रहा है प्रकृति का हिसाब है लेना देने का हिसाब पूरा हो रहा है संभाव से निकाल करना है तीन अपमान किए थे तो तीन वापस आएंगे जमा करो कि उसने चार अपमान नहीं किया क्यों दो नहीं किया तीन के हिसाब थे तीन आए वापस तो जितना हम ज्ञान में रहेंगे संभाव से निकाल भी होएगा, व्यवस्थित की आज्ञा शुद्धात्मा की आज्ञा और संभाव से फाइलों का निकाल के आ आज्ञा इतने शॉर्ट में ज्ञान है पांच आज्ञा भी पांच ही शब्द रोज के जीवन में वापरने हैं उससे नए कर्मबंधन नहीं हो जाएंगे ये कर्मबंधन किस वजह से होता चंदू अज्ञानता से होते थे मैंने किया अहंकार करने से होते थे कर्तापन छूटता है आरोपित भाव छूटता है मैं शुद्ध आत्मा हूँ जागृति मिली हुआ सो व्यवस्थित <coughs> और मेरा है मेरी है मेरा मेरी करने से राग द्वेष हो जाते थे फाइल है तो संभाव रहेगा ही रहेगा जितनी आज्ञा वापरोे संभाव रहेगा कर्म बंधन नहीं होगा और पुराने कर्म फल के वजह से जो व्यवहार होता है वो तो समता भाव से पूरा होता जाएगा और भीतर में मैं शुद्ध आत्मा हूँ जागृति रहेगी अद्भुत ये पांच आज्ञा है इसकी दादाजी की दादावाणी मैगज़ीन है आपदावाणी किताबें हैं छोटी मोटी कोई भी किताबें इंटरनेट पे सब आप डाउनलोड भी कर सकते हो और यहाँ स्टोर से भी प्राप्त कर सकते हो तो जितना भी सत्संग के टच में रहोगे तो आज्ञा का ही समर्थन मिलेगा कैसे जागृति सेट करनी जुदापन की जागृति चंदू जुदा है मैं शुद्धात्मा हूँ पड़ोसी जैसा व्यवहार फाइल वन के साथ करना है जितने ज्ञान की दादाजी के सत्संग पढ़ते रहेंगे या वी सी डी निरुमा की है या लाइव रिले सत्संग है जितने सत्संग के टच में रहेंगे जागृति बढ़ते जाएगी और जितना ज्ञान वापरेंगे जीवन व्यवहार में इतना अनुभव क्या उस बढ़ेंगे समाधि रहेगी और किसी को कर्म खत्म किए बिना ज्ञान मिला है हमें किसी को दुख पहुंच गया वाणी से या वर्तन से या विचार से नेगेटिव सोच आ गई कुछ किसी को हर्ट हो गया शब्द से तो भीतर में जुदापन की जागृति रखनी खुद दात्मा भाव में रहना है और हमारा पड़ोसी चंदू के बोलना भाई तेरे वर्तन से इनको दुख पहुंचता है तू प्रतिक्रमण कर जुदापन भी रहेगा और खुद के दोष भी दिखेंगे और किसी को दुख पहुँचा दिया उसके प्रतिक्रमण करने सामने वाले के भीतर बैठे हुए शुद्धात्मा को याद करके ये शुद्धात्म भगवान व्यक्ति को इस तरह दुख पहुँच गया दिल से क्षमा चाहते मुझे क्षमा करो ऐसी गलती नहीं करने की शक्ति दो सिंपल है भाव प्रतिक्रमण दोष धोए जाएंगे हल्के होते जाएंगे और व्यक्ति के साथ राग द्वेष का हिसाब भी क्लियर होएगा प्रेम भाव बचेगा तो प्रतिक्रमण करना है जुदापन की जागृति रखनी है पाँच आज्ञा वापरनी है उससे तो हमारी मोक्ष की प्रगति दिन रात होते ही जाएगी और सत्संग के टच में रहेंगे कुछ पूछना है तो ज़रूर से सत्संग के सत्संग में आप प्रश्न भी पूछ सकते प्रश्न भेज के और विज्ञान समझना है इसमें करना कुछ नहीं बोझा बढ़ना नहीं चाहिए भुगवाटा टेंशन बढ़ना नहीं चाहिए आनंद में रह के प्रगति करनी है थोड़े कुछ प्रश्न आए हैं लेते जाएंगे एक के बाद एक सुनीता नाहर कर्नाटक संजीव मोयडे मंडलेश्वर मध्य प्रदेश जय जय बोलिए। मैं पहले अंतर यात्रा करती थी और अब कल जब ज्ञान लिया तो मुझे दोनों में उतनी ही शांति और उतनी तृप्ति मिली और मुझे लगा कि बहुत सारा बोझा है वो उतर गया आ, तो अंतर यात्रा और ज्ञान दोनों एक जैसी विधि है नहीं बहुत फर्क है ये अहमदाबाद से गाड़ी छूटती है तो सूरत तक दोनों साथ में जाते हैं बाकी एक एक गाड़ी जाएगी बॉम्बे सेंट्रल और दूसरी जाएगी मद्रास दो ट्रैक अलग हो जाते हैं ये क्या है मैं अंतर यात्रा करती हूँ मेरी शांति के लिए अहंकार के साथ बुद्धि से करते थे अभी मैं शुद्धात्मा हो गए और सुनीता अलग हो गया तो ये जो बोझा किस वजह था कि मैं करता हूँ कर्ता भाव का बोझा था वो छूट गया इसके लिए भार बोझा हल्का हो गया अभी शुद्धात्मा में आए अभी सुनीता जी संभाव से निकाल करना फाइल का अभी अंतर यात्रा यानी क्या है अभी दूसरा ये करना है कि हमारे वाणी विचार वर्तन से किसी को दुख पहुँचा यानी सुनीता के वाणी तो सुनीता जी को बोलने का प्रतिक्रमण करो आप शुद्धात्मा हो गए भूल करने वाले भी सुनीता बोल को धोने वाले भी सुनीता था अब शुद्ध आत्मा हो गए पांच आज्ञा में रहोगे तो आत्मदशा बढ़ते जाएगी मुक्तता रहती जाएगी समझ में आया ना आपको हाँ। चरण विधि में वही बताया है चरण विधि जितनी करोगे वो स्वरूप की भजना होती है और आत्मा में रहने की शक्ति मांगी है तो आत्मभाव मजबूत होने के लिए ही चरण विधि है अहंकार बुद्धि कर्तापन सब छूट जाता है ममता मोह बुद्धि डखल सब छूट जाते हैं और जागृति बढ़ती है <coughs> जय रात को ध्यान करके सो गए थे ना मैं शुद्ध आत्मा हूँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ हाँ जय सच्चिदानंद संजीव मोजे नेहू कनाडा कनेडा जय सचिद हाँ बोलिए जय सच्चिदानंद मेरी जिज्ञासा यह है कि नंबर अनुसार खाते में रकम जमा करने से कर्म बंधन तो नहीं होगा हम मगर संजय के के संजीव के खाते में रकम नहीं जमा करनी है शुद्धात्मा के खाते शुद्धात्मा में शुद्धात्मा <laughs> तो जब शुद्धात्मा, शुद्धात्मा, शुद्धात्मा के अकाउंट में जमा करोगे तो कर्म बंधन नहीं होगा एक्चुअली क्या बैठ होता है हमें प्रतीति प्राप्त हुई बिलीफ बैठी मैं संजीव नहीं मैं शुद्धात्मा आत्मा हूँ अभी बिलीफ में से जागृति रखो जागृति में से अनुभव तो अनुभव स्टॉक होते होते पूरा हुआ उसका मतलब शुद्धात्मा का अकाउंट कंप्लीट हो गया अभी टू परसेंट अनुभव फिफ्टीन परसेंट जागृति हंड्रेड परसेंट प्रतीति। तो अभी टू परसेंट में से हमको कम से कम सेवेंटी परसेंट तक पहुंच गए स्पष्ट वेदन तक आ गए तो शुद्धात्मा का अकाउंट क्रेडिट हो गया तो शुद्धात्मा का अकाउंट में क्रेडिट कैसे बढ़ेगी तो सभी को शुद्ध यानी पाँच आज्ञा वापरो सभी को शुद्धात्मा देखो फाइलों का संभाव से निकाल करो वो सुव्यवस्थित किसी को दोषित मत देखो कर्ता मत देखो शुद्धात्मा रूप से देखो तो अकाउंट में क्रेडिट बढ़ेगा शुद्धात्मा का बाद में दादाजी की वाणी पढ़ोगे सत्संग में रहोगे वो भी शुद्धात्मा का अकाउंट में क्रेडिट बढ़ती है वो नहीं है अभी एक कर्म बंधन नहीं उल्टा कर्म जितना कर्म छूटता है उतना अनुभव क्यों बढ़ते हैं नया बंधेगा नहीं और आत्मा का अनुभव क्यों उस बढ़ते जाएंगे जय जय सचिदान नेहा नरेंद्र गर्जर राजस्थान जय सचिदानंद हाँ जय सचिदानंद बोलिए आ मेरे क्वेश्चन था कि आत्मा किस चीज से बनता है और कैसे पता चलेगा कि आत्मा का अनुभव हुआ है एंड थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन कि चित्त और आत्मा में क्या फर्क होता है एक्चुअली आत्मा अविनाशी है कि विनाशी है अविनाशी तो अविनाशी चीज़ कोई चीज़ से बनता नहीं है खुद का ही अस्तित्व है शाश्वत अस्तित्व है और ज्ञान और आनंद वही उसका स्वरूप है फुल ऑफ ज्ञान और, और इन्फिनाइट ब्लीज आनंद आनंद परमानंद वो आनंद का ही जैसे बर्फ है वो पानी का बराबर ठंडा और पानी दो उसमें रहता है तो ये आत्मा में आनंद और ज्ञान उतना ही है अनंत ज्ञान अनंत सुख और समझना देखना वो आत्मा का स्वभाव है तो ये आत्मा किस चीज का बना तो को कोई चीज से बन नहीं सकता है वो अस्तित्व अविनाशी है संसार की बिगनिंग से पहले भी था मोक्ष जाने के बाद भी रहेगा और अनंत काल तक शाश्वत अस्तित्व है उसका अविनाशी है बट जैसे आप कहते है वॉटर से वो तो एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल है तो वैसे कोई आ, ऐसे पर्टिकुलर केमिकल्स होते हैं या एलिमेंट्स होते no. हैं नो no? no, no. वो अविनाशी है अविनाशी किस चीज़ से बन सकता है क्योंकि विनाशी चीज है पानी हाइड्रोजन सब डिस्ट्रॉय हो सकता है और तत्व hmm. कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता अवस्था फेजेस ऑफ द एलिमेंट डिस्ट्रॉय होते हैं और एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट जो है मैटर ऑफ द एलिमेंट वो अविनाशी है वो हमेशा रहता है किस चीज से बना नहीं खुद ही अस्तित्व है स्वयं है और अनंत काल तक वैसा ही रहेगा खुद ज्ञान और आनंद वाला और आत्मा का अनुभव कैसे हुआ तो कि ये नेहा है मैं शुद्ध आत्मा शुद्धात्मा जागृति शुरू होती है और अभी गलती खुद की दिखेगी नेहा की गलती आपको दिखे किसी के ऊपर क्रोध हुआ किसी के लिए भाव बिगड़ गए अभाव हुआ द्वेष हुआ ईर्षा हुई तुरंत जागृति आएगी ये गलत हो गया है अपमान किया तो पहले अहंकार बड़ा हो जाता था तो मैं देख लूंगी अभी लगता है कि नहीं मेरा हिस्सा पूरा हुआ दोष चित नहीं देखना है तो ये दोष खुद के दिखे वो प्रकाश ही आत्मा का है वही आत्मा का अनुभव शुरू हुआ समझ में और चीत याने क्या है शुद्ध चित और शुद्ध चित दो शब्द है चित याने दो चीज का बना ज्ञान और दर्शन ज्ञान और दर्शन का मिक्सचर और चित्त अशुद्ध है, अशुद है। विनाशी चीजों में जाता है मेरी मम्मी है मेरे पापा है मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे मेरा घर मेरे पैसे विनाशी चीजों में चित जाता है वो अशुद्ध चित्त है और अविनाशी में चीज आया मैं केवल ज्ञान स्वरूप हो अनंत ज्ञान वाला हूँ अनंत दर्शन वाला हूँ वो शुद्ध चित्त वो ही शुद्ध आत्मा अंतरात्मा दशाया अभी और वो शुद्ध चित्त वही शुद्ध आत्मा आत्मरमणता करता है वो शुद्ध चित्त है शुद्धात्मा के ज्ञान में रहता है अनुभव में रहता है जागृति में रहता है वो शुद्ध चित्त और विनाशी मेरी घड़ी कहाँ गई मेरे पैसे पर्स में पाँच हज़ार रखे थे कम किसने चोर दे विनाशी चीज़ों में चीज़ चलो होटल में जाएंगे खाएंगे पिएंगे मजा करेंगे नई गाड़ी परचेस करेंगे इतना खर्चा तो ये चीज उधर ही घूमता है खाने पीने कपड़े में मैंने इतना किया मैंने ये बनाया मैंने, मैंने इतना लिया मैंने ये शॉपिंग किया विनाशी में घूमा वो शुद्ध चीत है सब अभी चित्त की शुद्धि हुई है कल ज्ञान विधि में अभी वो अशुद्धि खत्म करते जानी है और शुद्धि बढ़ाते जानी है कैसे कैसे बढ़ेगा तो अशुद्ध चीज जहाँ जाता है वह देखने का, का है नेहा का चीज इधर उधर भटकता है नायगरा फॉल्स गया वहाँ तो देखने का है ये जाने वाला अशुद्ध है मैं ही नहीं हम देखेंगे तो शुद्धि हो के खत्म होते जाएगा अशुद्धि खत्म होते जाएगी शुद्ध चित्त होते जाएगा और शुद्ध चित्त आत्मरमणता करता है आत्मा में ही जागृति रहता है सिद्ध चित्त है समझ में आया ना आपको जय सचिदानंद नरेंद्र गुर्जर जेनिता थापा सिंगापुर जय सचिदानंद हाँ बोलिए जय सचिदानंद जी मेरा प्रश्न ये था कि प्रज्ञा की क्या है और इसका अनुभव कैसे इस प्रकार होगा हाँ। हो रात को ध्यान करके सो गए थे मैं शुद्ध आत्मा हूँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ हाँ तो सुबह जागृति आई ना मैं शुद्ध अभी, अभी स... आत्मा हूँ हाँ मगर सत्संग के बाद में न अज्ञान दशा में तो नहीं, नहीं मैं थी मैं आपका सत्संग पहले हाँ, तो, तो समझ में आ गया और वो बुद्धि ने पकड़ा था अभी प्रज्ञा ने पकड़ लिया प्रज्ञा ने क्या अभी इसका अनुभव कैसे हाँ वही बताता हूँ पहले रॉन्ग बिलीव थी मैं ही नरेंद्र हूँ और किसी ने अपमान किया नरेंद्र ऐसा आदमी है वैसा आदमी है तो अपसेट हो जाते थे मैंने क्या बिगाड़ा क्यों मेरी मगजमारी करते हो अपमान लगेगा अभी समझे अभी जागृति क्या आएगी नरेंद्र का अपमान होता है मेरा नहीं मैं तो शुद्ध आत्मा हूं तो ये जुदापन की जागृति रखने वाली प्रज्ञा शक्ति है पहले रॉन्ग बिलीफ ही रॉन्ग बिलीफ थी जब मैं ही नरेंद्र हूँ मैं ही करता हूँ तब शक्ति बोला जाता है शक्ति यानी क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष कराने वाली और शक्ति यानी समता भाव में संभाव में रखने वाली अभी <coughs> शक्ति अभी कोई गलती हो गई जी। तो भीतर में जागृति आएगी हे नरेंद्र क्यों गलत करते हो प्रतिक्रमण करो वो चेतावनी देने वाली शक्ति, दिन रात चेतावनी देगी अभी जो संसार भाव में संसारी अवस्था में घुस जाएंगे तो प्रज्ञा शक्ति जागृत करेंगे ये बाहर निकलो शुद्धात्मा की सीट पे आओ वो प्रज्ञा शक्ति दिन रात चेतावनी देगी और विनाशी ये दोष दोष दृष्टि है उसमें से छुड़ाएगी निर्दोष दृष्टि में बिठाएगी आत्मभाव में बिठाएगी वो प्रज्ञा शक्ति का काम चालू हो गया पहले अज्ञा शक्ति थी संसार से निकलने ही नहीं देती थी प्रज्ञा शक्ति मोक्ष में लेके जाएगी संसारी भाव से छुड़ाएगी आत्माभाव में स्थिर करेगी दिन रात चालू हो जाएगा अभी प्रोसेस प्रज्ञा शक्ति का तो प्रज्ञा अभी चेतावनी देगी एक गलती हो गई तुरंत भीतर से जागृति आएगी ये गलत हो गया ऐसा नहीं होना चाहिए बाहर क्रोध करेगा नरेंद्र और आपको भीतर लगे ये गलत हो गया ऐसा नहीं होना चाहिए तो प्रज्ञा शक्ति की जागृति है ये मुझे पहले भी होता था मतलब पहले भी जागृति आती थी मुझसे गलती होती थी मुझे बड़ा दुख होता था और मैं उससे अंदर ही माफी मांगता था पहले ही हाँ। अभी नरेंद्र के पास माफी मंगाने की क्या जी? आप नहीं शुद्धात्मा हो गया आप अभी शुद्धात्मा गलती करता भी नहीं है शुद्धात्मा को माफी मांगनी अच्छा। भी नहीं है नरेंद्र जी के पास प्रतिक्रमण कराने का अभी जुदा रखने का अच्छा। वो सम्यक बुद्धि की जागृति थी कि भाई मैंने गलती की किसी को दुख नहीं पहुंचाना है अभी प्रज्ञा की जागृति में रहना है नरेंद्र जी जुदा है मैं शुद्ध आत्मा हूँ नरेंद्र जी के पास प्रतिकोण करा नरेंद्र जी माफी मांगो आप जुदा रह के माफी मांगानी है समझ में आया ना आपको जय सचिदानंद जय सचिदानंद जय सचिदानंद चेन्नीता थप्पा <laughs> नीलेष राघु उदयपुरा एम पी जय सचिदानंद बोलिए हाँ बोलो जय सचिदानंद जय सचिदानंद लो

तो फिर भी मैं माफ करती हूँ लेकिन फिर भी वो सुधारते नहीं है लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं उन लोगों के चक्कर में नहीं पढ़ूँ तो मुझे उन लोगों से दूर रहना है मतलब ऐसे मतलब शांति चाहिए मेरे को हाँ मगर वो गलती करते ऐसे दिखता है ना जी दिखता है फिर शु, भी मैं माफ कर देती हूँ शुद्धात्मा गलती करता होगा कि पैकिंग गलती करता होगा शुद्धात्मा तो गलती नहीं करता होगा ना जी। दो चीज़ है ना जैनिता जुदा है मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसे सामने वाले का भी देखने का चंदू जुदा है खुद शुद्ध आत्मा है दो प्रकृति और पुरुष आत्मा और शरीर दो जुदा है ने? जी। तो गलती करने वाला कौन है चंदू है शुद्ध आत्मा नहीं गलती करता है और हम उसको गलती करता है ऐसा देखते हैं और गलती किया चलो मैंने माफ़ कर दिया मगर गलती करता ही नहीं शुद्ध आत्मा वो दृष्टि रखनी है निर्दोष दृष्टि बोलते हैं उसको ये प्रकृति का भरा हुआ माल निकलता है जैसे थैले में हम सब्जी लेके आए ऑनियन है पोटेटो है तो जो भरा है वही निकलेगा दूधी भरा टमाटा भरा तो वही निकलेगा तो ये प्रकृति यानी कर्म भरे पिछले भाव में भर के लाए है वो निकल रहे हैं जैसे वॉमिट हो गया आदमी को मारना चाहिए कि हटा देना चाहिए गरने से लेकिन तो नहीं दवाई देने की समझ देने की भाई खाने में ज़रा ध्यान रखो कंट्रोल करो तो ये जैसे कर्मों की वॉमिट हो जाती है जैसे उल्टी खाने की वॉमिट होगी ऐसे कर्मों की भी वॉमिट हो जाती है आदमी गलती करता है उसका सचमुच दोष नहीं है हम उसका शुद्धात्मा देखने का और शुद्धात्मा को प्रार्थना करने के भाई साहब की गलती छूटे उसको जागृति मिले गलतियों से मुक्ति पाए ऐसी कृपा करो अभी हम जो मानते हैं कि ये सुधरता नहीं है नहीं सुधरता प्रकृति नहीं सुधरेगी जैसे वो टॉप रहता है भमरडा हम डालते हैं बावरा घूमता है हम बोले इधर घूमो इधर घूमो नहीं घूमेगा ऐसे डिस्चार्ज प्रकृति है कर्म फल दे रही है डिस्चार्ज कर्म वाला सुधरेगा नहीं हम उसको जागृति ये दे सकते हैं उसको कि भाई तो ये गलती होती है क्रोध करता है काम बिगाड़ता है अंदर भीतर में जागृति रखो गलत होता है ऐसा नहीं करना चाहिए तो समझ उसको दे सकते हैं तो दो नहीं तो फिर छोड़ दो शुद्ध देखो और प्रकृति का भरा हुआ माल निकलता है देखो उसमें बदलाव अपेक्षा रखते कि नहीं होगा हम माफ़ी मांगते हैं माफ़ी दे देते हैं हमें क्षमा कर दिया पर हम उसको दोषी देखते हैं बाद में हम माफ़ी देते हैं उसको पर सचमुच तो माफ़ करने से माफ़ होता नहीं है उसको शुद्धात्मा देखो और गलतियों के लिए माफ़ी मांगो कि मैंने ये अभी गलती वो करता है हम क्रोधित होते हैं अपसेट होते हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं तो गलत वो करता है और हम दुखी हम होते हैं ऐसा कै कैसा कायदा तो हमें दुखी नहीं होना है अपनी गलती का दुख उसको होना चाहिए और नहीं समझ में आता है तो उसको प्रार्थना करो उसकी गलती समझ में आए गलतियों से मुक्ति पाए हमें दुखी नहीं होना है हम प्रार्थना करने की ये शुद्धात्मा उगान इसकी फाइल का ये फाइल का मुझे संभाव से निकाल करना है मुझे शक्ति दो जितना ज्ञान में रहोगे तो धीरे धीरे आपके साथ उसका टकराव कम होएगा और आप छूट जाओगे और आपको शांति वो सुधरेगा तो शांति मिलेगी ऐसे होने वाला नहीं हमारी समझ बदली हो जाएगी हमें निर्दोष दिखेगा तो शांति नहीं आनंद आनंद रहेगा समझ में आता है ना तो अभी दादाजी की किताब पढ़ो भुगतता है उसकी गलती हुआ सो न्याय टकराव टाली एडजस्ट एवरीवेयर प्रतिक्रमण निच दोष दर्शन ऐसे छोटी मोटी किताब पढ़ते रहे तो बहुत सारी समझ हमें करेक्ट होते जाएगी तो यही लोग रहेंगे संजोग परिस्थिति बदलेगी नहीं भीतर में हमें शांति नहीं आनंद रहेगा ज्ञान से समझ में आता है ना हाँ क्रोधित हो गए तो आप भीतर में जनिता को बोलने का प्रतिक्रमण करो क्यों आप दूसरे के दोष देखते हो भीतर हम ही अभी जागृति रखनी हम दोषी दिखते हैं सामने वाला उतना प्रतिक्रमण कराने का जितना आप प्रतिक्रमण करोगे तो आपको आनंद बढ़ेगा वो सुधरेगा या नहीं भी सुधरेगा हमें शांति जरूर मिलेगी हमारी शांति चाहिए ना कि उसको सुधारना है <laughs> और आप मानते हो कि मैं इससे दूर चले जाओ और हिसाब होगा तो दूर जा भी नहीं सकते हो <laughs> तो फिर साथ में रहना भी पड़ेगा तो आप शुद्धात्मा देखो और प्रार्थना और प्रतिक्रमण करो तो आपको शांति रहेगी और ये बेन जी को पूछने का कैसे शांति में रहने का <laughs>

कोपर गांव कर तारा भाई कोपर सर नेम से चपल गांव कर कोपल गांव कर मुल गांव मुल गांव <laughs> योले गांव <गाँकर। laughs> शे गांव कितना बता कर हुए निलेश रघु जय सचिदानंद लो भेगा थे क्या तो। जय सचिदानंद ताराबाई रघु बोलिए अपना अनमोट कीजिए भैया बोलो निलेश हाँ <coughs> उनका प्रश्न है तत्वज्ञान ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान क्या है ब्रह्म पर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म एक ही है एक्चुअली ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान में थोड़ा अंतर है तत्वज्ञान और आत्मज्ञान एक ही चीज़ है ब्रह्म ज्ञान यानी देह विनाशी है मैं अविनाशी उतना समझ में आता है मगर वो इंट्रीम गवर्नमेंट तक पहुंचता है अंतरात्मद ब्रह्म अविनाशी तक पहुंचा मगर उससे आगे मूल आत्मा बहुत बाकी है मूल आत्मा का ज्ञान होगा तब आत्मज्ञान बोला जाता है ये ब्रह्म ज्ञान यानी क्या है कि इतना तो हिंदुस्तान का डेवलपमेंट है आत्मा अविनाशी है पुनर्जन्म होता है पूर्व पूर्वभव बांधा है तो आज फल आया है देह विनाशी है उतनी समझ उसको प्राप्त होता है और वो अभी ब्रह्म ज्ञान बोला जाता है देह विनाशी मैं अविनाशी ऐसे है। बोलते हैं ना गीता में देह क्षर है आत्मा अक्षर है अक्षर का भान हुआ वहाँ तक ब्रह्म ज्ञान और क्षर और अक्षर से पर वो अक्षरातीत है उसको आत्मज्ञान बोला जाता है अक्षरातीत हुआ वो और उसी को ही पर ब्रह्म बोला जाएगा और ब्रह्म और पर ब्रह्म में थोड़ा अंतर है तीन दशा आत्मा की बोला जय गीता में बताया एक जीवात्म दशा मैं ही निलेश हूं अज्ञान दशा मैं ही करता हूं राग द्वेष मोह में डूबा है वो जीवात्म दशा जब ज्ञान होता है कि मैं निलेश नहीं मैं शुद्ध आत्मा हूँ तब अंतरात्मा दशा और सब कर्म अज्ञानता से उत्पन्न हुए कर्म अज्ञानता खत्म हुई अज्ञानता से उत्पन्न भ्रांति कर्म खत्म हुए तो पूर्ण दशा तक पहुँचा केवल ज्ञान तब पर ब्रह्म यानि पूर्ण ब्रह्म या तो केवल ज्ञान हुआ परमात्म दशा बोला जाता है तो वही जीव अज्ञान दशा में जीवात्मा है ज्ञान दशा में अंतरात्मा है और एप्सुल्युट दशा में परमात्मा दशा समझ में आया ना आपको जो हाँ आत्मा परमात्मा है मगर अभी जब अज्ञानता में है तब तक जीवात्मा बोला जाता है जैसे आप पति हो मगर बेटा आ गया तो पिता बोला जाएगा पिता आ गए तो आप पुत्र है तो आप एक के ही एक ही स्वरूप है मगर रिलेटिव में है जब तक वहां तब सब संसार अवस्था में है किसी के पति हो किसी के पिता हो किसी के पुत्र हो तो सब संसार अवस्था छूट गई खत्म हो गई तो एब्सोल्युटली आप क्या हो गए तो एप्सिलिट हो गए तब परमात्मा बोला जाता है अब ये संसार दशा को सत्य मानता है वहाँ तक जीवात्मा दशा है अरे संसार दशा है मगर जागृति आ गई उसको ये तो अभी रिलेटिव है टेम्पररी है मेरा सच्चा स्वरूप नहीं मेरा सच्चा स्वरूप तो आत्मा है तो आप अंतर आत्मा में आए और ये संसारी स्वभाव वाले हिसाब पूरे हो गए फाइल सतम फाइल वाला है वहाँ तक शुद्ध आत्मा और फाइल पूरी हो गई तो परमात्मा एब्सोल्यूट दशा में आ गया खुद समझ में आया ना आपको हाँ जय सचिदानंद जय सचिदानंद तारा भाई राजेश सिगोकर मुंबई जय सचिदानंद पूज्यश्री हाँ जय सचिदानंद जय सचिदानंद पूज्यश्री क्वेश्चन ક્વેશ્ચન મારી આજી સાસુ નો હતો એકચ્યુઅલી મરાઠી છે એટલે એમનાથી થોડુંક સંભળાશે ઓછું એટલે હું તમને પ્રશ્ન કહી દઉં એકચ્યુઅલી એમને એ ચિંતા રહે છે કે હું જતી હું ક્યારે મરીશ કે પછી મારા મરવા પછી શું થશે કે સપોઝ હું અપંગ સ્થિતિમાં આવી ગઈ તો અપંગ સ્થિતિમાં પછી મારું કોણ સંભાળશે તો એ એમને ઘડી ઘડી એક જ વસ્તુ કે મારું શું થશે મારું શું થશે એવું જ એવું જ કયા કરે છે એમને પૂછો मी शुद्धात्मा आहे जागृती मिळाली ना रात्री ध्यान केला अशी जागृती मिळाली हा आता ताराबाई जुदा आहे आणि मी शुद्धात्मा जागृती जुदा आली ना आपल्याला ताराबाई शुद्धात्मा आहे मी शुद्धात्मा आहे समजलं ना हा शुद्धात्माला शुद्धात्मा अविनाशी अजर अमर त्याला काही होणारच नाही शरीराला काही पण झालं ते हिशाब आहे स्वतःला काही होणार नाही मी शुद्ध आत्मा आहे मी शुद्ध आत्मा आहे हा आता शंका मध्ये मनामध्ये आणू नका शरीराला काय होणार काय होणार माझं काय होणार आता मोक्ष होणार आपला mm, मोक्ष होणार बस आता तेच आपल्याला लक्षात ठेवायचं मी शुद्ध आत्मा आहे आणि मला सगळं हे ताराबाईचे कर्म पुरे झाले तर मला मोक्ष प्राप्त व्हायचं आहे तेवढी भावना करायची हां आणि सिमंदर स्वामीने प्रार्थना तमने मोकलावशे ऑफिसमध्ये मिळवी लेजो प्रार्थना हे प्रार्थना करे चरणविधी करे हां चरणविधी करत राहा सारा दिवस दादा भगवानचे अशीम जजण म्हणत राहा मी शुद्ध आत्मा आहे मी अनंत ज्ञानवाला आहे मी अनंत दर्शनवाला आहे मी अनंत सुखाचा धाम आहे मी अनंत शक्तीवाला आहे स्वतःचे आत्मगुण बोलत राहायचं हां आणि मनामध्ये काही शंका आणायची नाही चिंता ठेवायची नाही आता मला स्वतःला काय होणार नाही हे कपडा फाटेल लप होईल काहीतरी पण स्वतःला शुद्ध शुद्धात्माला काय ना होणार शुद्ध आत्मा आहे समजला ना थोडा आनंद वाटला ना रात्री आनंद वाटला का हा आता त्याच्यामध्ये राहा हां मी शुद्ध आत्मा आहे मी शुद्ध आत्मा आहे त्याने ते ज्ञानचं परिणाम मोक्ष मिळेल आपल्याला

हाँ जयी प्रसाद चढ़ावे वच्चा हाँ बराबर से जयी सचिदानंद जयी सचिदानंद पुजारी राजेश शिगोकर राजेश्री एले गांव का एले गांव कर हैदराबाद जयी सचिदानंद पुजारी हाँ जयी सचिदानंद पुजारी आई एम वेरी हैप्पी मैं बहुत खुशनसीब हूँ सबसे पहले तो मुझे ज्ञान विधि का मौका मिला है ज्ञान विधि हो गया है जो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है दूसरी चीज है कि मेरा प्रश्न सिलेक्ट किया गया सो so, मैं बहुत खुश समझता हूँ really? अच्छा। तो मेरा एक ही सवाल है कि मैं कुछ किसी को मेरे व्यूज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ पर्सनल लाइफ में ये ऑफिशियल लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग करते सामने वाले ठीक है तो ये पहला प्रश्न है और दूसरा प्रश्न कुछ जैसे कि मैं शुद्ध आत्मा हूं इसका ज्ञान मुझे कब होगा कल बस अभी राजेश जुदा है आप शुद्ध आत्मा हो गए अभी राजेश को प्रॉब्लम है कि मेरे की मेरी बात लोग समझ नहीं पाते मुझे म, इस मिसअंडरस्टैंडिंग करते और राजेश का प्रश्न है आपका नहीं आप शुद्ध आत्मा हुए कल ज्ञान विधि प्राप्त हुई रात को मैं शुद्ध आत्मा हूँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ ध्यान करके सो गए थे ना रात को और सुबह जागृति आई ना मैं शुद्ध आत्मा हूँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ जी तो वो वही आत्मा की शुरुआत हुई उसको प्रतीति बैठी बोला जाता है अनुभव लक्ष्य प्रतीति प्रतीतिया आने राइट बिलीफ बैठी हमें रॉन्ग बिलीफ छुट्टी राइट बिलीफ बैठी अभी अवेयरनेस रहेगी कि राजेश जुदा है मैं शुद्ध आत्मा हूँ और एक्सपीरियंस या कोई राजेश का अपमान करे तब तो जागृति रहेगी राजेश को होता है मुझे नहीं ये जो आपका बड़ा प्रश्न है कि मैं किसी को समझाने जाता मेरा व्यू पॉइंट लोग मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं तो अभी ये राजेश का प्रश्न है राजेश को दुख होता है मुझे नहीं मैं समझ गया मैं तो जुदा हूँ ये फाइल वन का है संभाव से निकाल करना है तो पाँच आज्ञा जितनी वापरोगे उतनी जागृति बढ़ेगी और स्टेप बाय स्टेप अनुभव के अंश बढ़ेंगे तो ये अभी पाँच आज्ञा में आने का है अभी वापरने का है और ये जो लोग आपको नहीं समझ पाते तो पेंडिंग रखो हमें समझाने का महत्व महत भी नत करो हाँ आप अभी सत्संग में आए हो तो सत्संग वाले बहुत मिलेंगे आपको दादा परिवार उसमें आपकी बात किसी को बताएंगे या सेवा में ज्वाइंट हो जाओगे तो आपको भी आनंद रहेगा लोगों को भी क्योंकि हमारे लेवल की बात समझने वाले मिले हमें आनंद रहेगा हमें पहले तो क्या है? मैं ही राजेश मेरी बात समझता नहीं तो दुखी होते थे अभी राजेश की बात समझे तो भी फाइल पूरी हुई नहीं समझे तो भी फाइल हम शुद्ध आत्मा हम हमारा खुद का जा जागृति प्राप्त हो गई उसके आनंद में रहना है और राजेश को भी अभी पड़ोसी फर्स्ट नेबर हमारा राजेश को बताने का कोई तुम्हारी बात नहीं सुनता है तो दुखी मत हो जाओ हुआ सुव्यवस्थित हमें संभाव से निकाल करना है हमें तो नौकरी बिजनेस है कि जॉब है ना आपका ता हमारा काम पूरा होता है ना 24 घंटे में जो नौकरी का काम सब सब अच्छी तरह पूरा कर सकते हैं ना फाइल संभव से निकाल करते जाने का दुखी नहीं रहने का आनंद में रहने का भी अभी शुद्धात्मा शुरू हो गया है अभी उसमें जितनी पांच आज्ञा में रहोगे तो सेकेंड डे ऑफ मून थर्ड डे होएगा फोर्थ डे होएगा फिफ्टीन डे तक पहुंचने का पुरुषार्थ पाँच आज्ञा से है और दादाजी की किताबें पढ़ते रहेंगे वीसीडी सत्संग देखते रहेंगे तो जागृति बढ़ेगी हमारी और ये समाधान जो पर, जो प्रॉब्लम्स आते हैं छोटे मोटे व्यवहार में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा समझ में आया ना आपको जय सचिद हाँ जय सचिदन राजेश्वरी बेन हैदराबाद अजिताब सेट्टी मुंबईानंद सचिदानिया अच्छा लगा और बहुत सारा इम्प्रूवमेंट करना है अभी खुद में, में अच्छा। आ रहा है कौन से कौन से एरिया है लेकिन क्या है कि सांसारिक चीजों में उलझने की वजह से ये जो टकराव होते हैं दुर्व्यवहार बोले तो आर्ग्यूमेंट हो जाती है या गुस्सा आता है कभी-कभी सिचुएशन -कभी ऐसा रहता है अपने को गुस्सा नहीं करना है लेकिन सामने वाले को कंट्रोल करने के लिए गुस्सा करना पड़ता है तो वो हर्ट हो जाता है फिर वो बीज गिरेगा वो उसको भी दुख होगा तो वो भी अपने लिए उतना ही नेगेटिव फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन आएगा अपने मन में भी आएगा तो ये सिचुएशन को अवॉइड कैसे करने का अभी येने भीतर और... से प्रतिक्रमण चालू करो किसी को नेगेटिव दिखता है किसी का आर्गुमेंट के लिए हमें फाइल है संभाव से निकाल करना है आर्ग्यूमेंट नहीं लोग है किसी को छोड़ तो नहीं हरकत नहीं वो छोड़ना नहीं है रहते हैं नहीं हो छोड़े अभी क्या है कि पहले सम, देखो दो पर, दो तरीका है एक तो आर्ग्यूमेंट करके उसको सीधा करो और दूसरा उपाय समझा के बात करो हम समझा के बात करेंगे नहीं हो पाया तो मौन रहेंगे प्रार्थना करेंगे कि सुधार्त्मा भगवान भाई साहब को शांति मिले ऐसी बात समझ में आए और व्यवहार अच्छा करे ऐसी कृपा करो शुद्धात्मा को प्रार्थना करो और समझ लो कोई आर्ग्यूमेंट हो गई और हम गुस्से में आ गए दुख पहुंचा दिया तो अभी जागृत थोड़ी देर के बाद जागृति आएगी तो राजेश्री को बोलने का प्रतिक्रमण करो कि हे शुद्धात्मा भगवान भाई साहब के ऊपर गुस्सा हो गया माफ़ी मांगते हैं मुझे फाइल का संभाव से निकाल करने की शक्ति दो मुझे निर्दोष देखने की शक्ति दो तो ये जितना ज्ञान वापरोगे धीरे धीरे वो आर्ग्यूमेंट कम होते जाएगी डिसएडजस्टमेंट कम होते जाएगा और अपसेट होने का डिस्टर्ब होने का भी कम होते जाएगा हाँ बातचीत करो आर्ग्यूमेंट किए बिना या आग्रह रखे बिना या भोगवटा सफरिंग आए बिना मेरी मेरा व्यू पॉइंट ऐसा करोगे तो अच्छा है नहीं हम नहीं करेंगे ठीक है तो बस मन में बाद में मौन रहो प्रार्थना करो शुद्धात्मा को ही फ़ोन करो शुद्धात्मा वो अहंकार को फ़ोन पहुंचा देगा तो ये अंदर का व्यवहार आप पूर्वक करोगे तो आपको भी शांति रहेगी और उनका तरफ से रिएक्शन कम आते जाएंगे कम होते जाएंगे और अभी यही निश्चय करो सभी को सु... कभी बोलना बोलिए बोलना नहीं तो भी आता है मींस मन में तो बोलने की इच्छा नहीं है लेकिन वो उसे तो बोल दिया ऐसा भी है सभी हाँ मगर बोलने का क्या है दादाजी की चरण विधि किताब है ना उसमें बताया है कि सामने वाले का मन का समाधान हो जाए ऐसी वाणी बोलने की शक्ति दो राजेश्री को बोलने का राजश्री ऐसी वाणी बोलो सामने वाले का मन का समाधान हो जाए हे दादा भगवान सामने वाले का मन का समाधान हो जाए ऐसी वाणी बोलने की शक्ति दो तो प्रार्थना करने से क्या है पहले जो हम आक्रोश से या द्वेष से या आर्ग्यूमेंट से हम सॉल्यूशन लाना चाहते थे उसमें दुख लग जाता था और प्रार्थना करके करोगे तो दुख भी नहीं लगेगा और भगवान को पहुंच गया भावना हमारी कि इनको दुख देने की इच्छा नहीं है समाधान लाने की इच्छा है तो रिएक्शन कम आएंगे खत्म होते जाएंगे अभी ज्ञान का वापरो थोड़ा प्रयोग ज्ञान की चाबी वापरो देखो अनुभव में आपको आएगा कि क्लेश कम होते जाएगा और कोई दोषी दिखाई दिया तो राजेश्वरी के पास प्रतिक्रमण कराने का कि शुद्धात्म भगवान व्यक्ति के दोष दिखते हैं माफ़ी मांगते हैं मुझे निर्दोष दिखाई दे ऐसी कृपा करो और शुद्धात्मा गुना करता ही नहीं यानी निर्दोष है और प्रकृति भरा हुआ माल है कचरा निकलता है उसमें दोषी देखने का अधिकार ही नहीं है तो रिलेटिवली निर्दोष है रियली भी निर्दोष है ऐसे हम ज्ञान वापरेंगे तो हमारे एक होता क्या है कि हमारे अभिप्राय ये आदमी गुस्सा वाला है समझता ही नहीं है बेवकूफ़ है तो हमारे अभिप्राय ही उसको रिएक्शन आते हैं और वो हमारे साथ वैसा ही गुस्से वाला व्यवहार करेगा हम अभी उसको शुद्धात्मा देखते हैं तो उसका व्यवहार भी शुद्धात्मा तरफ से शांत स्वभाव वाला व्यवहार आएगा तो हमारी दृष्टि बदलो हमारा शुद्धात्मा का उपयोग रखो निर्दोष देखने का उपयोग रखो तो धीरे धीरे व्यवहार समता भाव से पूरे होते जाएंगे क्या दूसरा जाए। कैसे है कि बच्चे भी छोटे हैं लेकिन ये आज्ञा लेने के बाद अभी आ, तो, तो यही सच्चा है और यही राइट चीज है ये पता है और बच्चे बच्चों ने भी करना चाहिए ऐसा दिल से लगता है अभी बच्चे तो पांच साल के ही हैं हरकत नहीं आगे जाके बच्चे अभी इस माहौल में पल रहे हैं तो वो कर, भी ये करें इसके लिए क्या करना है उसके कि लिए ले, बड़े होने के बाद नहीं उसके लिए क्या करो घर में आरती चालू करो दादा भगवान ना असीम जय जयकर दस मिनट बुलाओ उसको पढ़ाई अच्छी होगी स्थिरता बढ़ेगी उनकी और आरती करेंगे तो संस्कार हृदय परिवर्तनों का संस्कार ही होते जाएंगे तो इनके लिए और छोटी छोटी किताबें अक्रम एक्सप्रेस है छोटी मोटी किताबें आप वेबसाइट में जाओगे तो बच्चों के लिए छोटी किताबें हैं उसको गेम्स मिलेगी वीडियो मिलेंगे पपेट शो मिलेगा सब उनके लिए बहुत छोटे छोटे रखा है उनको भी मजा आएगी बताने का उनको क्योंकि वो लोग हाइपर एक्टिव है तो उस वजह से भी थोड़ा गुस्सा आता तो, है तो इसका ये ये, ये 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 करने से स्थिरता बढ़ेगी उनकी आरती और असीम जय जयकार बच्चों के लिए बहुत स्पेशल है जरूर करना चाहिए जय सचिदानंद जय सचिदानंद अजिता सेठी ममता मायानी स्पेन सवाल यह है कि अटैचमेंट से हम कैसे दूर हो सकते हैं क्योंकि मैंने देखा है कि जिससे मैं अटैच होना उसी से कॉन्फ्लिक्ट होता है और कॉन्फ्लिक्ट में कभी कभी गलत शब्द निकल जाते हैं उससे सामने वाले को दुख होता है ऐसा अंदर गिल्टी फील होता है उनसे प्रतिक्रमण करने का पर अगर सामने वाला बात ही ना करे लेके बैठे क्या करना चाहिए एक बात जरूर समझ लो अटैचमेंट है वहाँ ही एक्सपेक्टेशन होते हैं और एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो गए तो अटैचमेंट बढ़ता है और एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुआ तो रिएक्शन में क्रोध आएगा द्वेष होएगा तो ये झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने का कारण ही एक्सपेक्टेशन में से ये जो रिएक्शन आया एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई एक्सपेक्टेशन तो रिएक्शन में द्वेष हो जाता है झगड़े हो जाते हैं अभी उसका उपाय क्या करना है तो हमारे तरफ से देखो हमारा अटैचमेंट उनके पर है तो उनका अटैचमेंट हमारे पर भी रहेगा तो वो भी हमारे पर अपेक्षा रखेगा तो हो सके तो हम उनकी अपेक्षा पूरी करेंगे पर हमारे तरफ से उनके प्रति अपेक्षा उठाते जाएंगे या तो अपेक्षा बंद नहीं हो गएगी क्योंकि अटैचमेंट है तो अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो हम ज्ञान में रहेंगे जैसे हमारे फ्रेंड है बस सात बजे आ, आ जाओ तो हाँ मैं सात बजे आ जाऊँ तो तुम्हें तैयार रहो और आया साढ़े सात पौने आठ बजे तो हमको गुस्सा इतना लेट कर दिया अभी कैसे पहुँचेंगे सब अपसेट हो जाते हैं तो उस टाइम पे हम उसको बोले भाई तू क्यों इतना लेट आया ट्रैफिक में फंस गया था मैं तो छः बजे से निकला हुआ है पौना घंटा तो इधर ही अटवा अटवा गया तो हमारी समझ में आएगा कि उनका दोष नहीं संजोग के वजह से लेट हुआ है तो ऐसे ये आदमी इनकी बहुत भावना है कि आपकी अपेक्षा पूरी करे न पूरी कर सका तो संजोग आदि नहीं पूरी हुई हमारा कर्मों का हिसाब से नहीं पूरी हुई तो उसको अपेक्षा पूरी होने नहीं होने से उनके प्रति द्वेष नहीं रखना है वहाँ व्यवस्थित का ज्ञान वापरो हुआ सुव्यवस्थित, व्यवस्थित ये शुद्धात्मा है फाइल है और मेरा मेरा करते हैं, अभी उसके बदले मेरी फाइल है संभाव से निकाल करना है और अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो व्यवस्थित का ज्ञान में रहो तो द्वेष नहीं होगा झगड़ा नहीं होगा और हमारे तरफ से झगड़ा कम होते गया तो उसके तरफ से ग्रज भी नहीं रहेगा अभिप्राय भी नहीं रहेगा वो भी धीरे धीरे रिलीज होते जाएगा अपे अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो हम सेटिंग कर देने का हुआ सो व्यवस्थित भाई साहब का दोष नहीं संजो का दिन और सच्चा तो कि हमारा पुण्य का हिसाब होगा तो संजो पॉजिटिव होते जाएंगे रिजल्ट आते रहेगा और हमारा पुण्य कम होएगा तो रिजल्ट बराबर नहीं आएगा तो हम सामने वाले को दोषित देखते हैं सफलता ना मिली तो सामने वाले को दोषित मिलते हैं और वहां समझना है कि नहीं मेरा हिसाब है व्यवस्थित है किसी का दोष नहीं है समझ में आया ना जितना आप ज्ञान में रहोगे उतना ये कॉन्फ्लिक्ट सब खत्म होते जाएगा hmm? और फिर भी आगे आगे। फिर भी क्लेश हो गया तो अजीत आपको बोलने का प्रतिक्रमण करो प्रतिक्रमण कराने का ये शुद्धात्म भगवान भाई साहब के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया उनको दुख पहुंच गया माफ़ी मांगते हैं असंभव से निकाल कर ऐसे मुझे शक्ति दो आप जुदा रहे के अजीत आपके पास प्रतिक्रमण कराने का समझ में आया ना आपको जय सचिदानंद जय सचिद ममता मायानी कैलाश भाई मिस्त्री मुंबई जय सचिदानंद बोलिए हमारा क्वेश्चन uh, है कि ना हमें नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आती है ना तो क्या करें हाँ किस वजह से पैसे के लिए नेगेटिव थॉट आती है तबीयत के लिए नहीं 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 एक्चुअली क्या लास्ट ईयर हमारी मदर का सडनली हम जैसे मॉर्निंग तो में उनका शरीर शांत हो गया तो तब से लेके इतना नेगेटिव हो गया कि कि एवरी टाइम डर डर बैठा रहता है कि, कुछ गलत न्यूज ना मिले या ऐसे करके बहुत मन मतलब बेचैन रहता है आ, तो अभी है ना क्या करने का पहला तो अभी मैं शुद्ध आत्मा हूँ समझ में आया ना आपको ममता जुदा है मैं शुद्ध आत्मा हूँ समझ ये हमने कल ज्ञान लिया पहली बार क्योंकि तो हम कृष्ण भक्ति में है पूरे बहुत हाँ। अच्छे थे कल हमारी फ्रेंड ने हमें बोला तो हमने कहा शायद उससे कुछ शांति मिले तो हम बहुत अपने आप को अंदर से वो स्ट्रॉन्ग कर रहे की नहीं हम आत्मा शुद्ध आत्मा है ना बराबर है कृष्ण भगवान को कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यही ज्ञान दिया था आप ही आत्मा हो और आत्मावत सर्वभूते देखो तो वही ज्ञान हमें मिला है अभी ममता जुदा है मैं शुद्ध आत्मा तो यही ज्ञान में और देखो शरीर छूट गया पर आत्मा मरता नहीं है ये देह छोड़ आत्मा दूसरे देह में जाएगा तो हमें भय किस चीज तो का लगता है कि मेरा उनके लिए बहुत ज्यादा सोचते है तो हाँ मगर सोच क्यों आती है देहाध्यास क्या है मैं शरीर मैं मर गई तो मेरा क्या होगा ये मर गए तो मेरा क्या होगा इनसिक्योरिटी का भय है तो सचमुच तो शरीर शरीर तो विनाशी ही है और मैं शुद्ध आत्मा हुआ मैं अविनाशी हूँ तो इनसिक्योरिटी अभी शुरू हो गई मैं शुद्ध आत्मा मैं सिक्योरिटी रहेगी अभी मैं शुद्ध आत्मा हूँ अविनाशी हूँ हजर अमर हूँ मेरा मृत्यु होने वाला ही नहीं ये डर किसको लगता है अहंकार को लगता है देखो मेरा मानने वाले को और बाद में मेरा मान लिया बाद में बुद्धि नेगेटिव बताएगी ये मर जाएगी तो ये हो जाएगा तो इसका हो जाएगा तो मेरा क्या होगा मैं अकेली हो जाऊंगी मेरा क्या होगा में हम सो है है नींद भी भी होती है, पर उनके उनके आना उनके बारे सोचना क्योंकि काफी टाइम हमने गया और शुद्धात्मा दूसरे जन्म जाएगा आगे तो शुद्धात्मा के लिए प्रार्थना करोगे शुद्धात्मा जहाँ है वहाँ मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े आत्मा का ज्ञान पाए मुक्ति पाए और हमारे राग द्वेष उसके प्रतिक्रमण करो और प्रार्थना करो उनके लिए और जितनी आत्मदृष्टि रखोगे ये भय चले जाएगा नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी और उनके शुद्धात्मा के लिए प्रार्थना करो कि दादा भगवान को आत्मा का ज्ञान पाए सिमंदर स्वामी का शरण मिले मोक्ष गति मिले ऐसी कृपा करो और कर्मों का, <coughs> तो का कुछ होता है कि जैसे हमारे कर्म हमारे हस्बैंड के कर्म तो एक दूसरे का कुछ होता है क्या मतलब हाँ। उनके कर्म में तो हमें आ, ऐसा कुछ है क्या एक्चुअली हमें सच तो ये है कि उनका और हमारा कर्मों का हिसाब के वजह से हम इकट्ठा है जैसे व्यापारी और ग्राहक कैसे रहते हैं हमें माल खरीदना है उसको माल बेचना है तो ये माल बेच हमें को माल बेचना है उसको खरीदना है तो डिमांड एंड सप्लाई वो कर्मों के हिसाब से इकट्ठा होते हैं बाकी दूसरा राग द्वेष के हिसाब से इकट्ठा हुए राग द्वेष खत्म हो गए हिसाब पूरा कर दिया तो मृत्यु आके छूटा हो जाते दूसरे अवतार जिसके साथ राग दो के ओ हमारे हस्बैंड होंगे हम वाइफ होंगे ऐसे दूसरे अवतार अगर अलग से वापस मिलते हैं या बेटा होके आता है फ्रेंड होके आता है अलग हिसाब से मिलते हैं वह अभी हमें अभी ज्ञान मिला है तो नया कर्म नहीं बनेगा मैं शुद्धात्मा हूँ ज्ञान में रहेंगे ये फाइल ममता फाइल वन है हस्बैंड फाइल टू है संभाव से निकाल करना है राग और द्वेष अटैचमेंट में भी नहीं रहना है और हेटरेट में भी नहीं जाना है संभाव में रहना है संभाव से निकाल हमें निश्चय करना है ज्ञान का जितनी पांच आज्ञा वापरोगे तो हिसाब कर्मों का छुटते जाएगा क्लेश घर में नहीं रहेगा प्रेम रहेगा बाद में ये बहुत टफ लग रहा है हमको <coughs> फाइल वन फाइल में सेट करना बहुत टफ लग रहा है तो नहीं थोड़ा थोड़ा सत्संग की किताबें पढ़ना दादाजी की किताबें पढ़ना और लाइव रिले होता है सत्संग जरूर देखो तो धीरे धीरे समझ में आएगा और प्रैक्टिस से आपको आ, सेटिंग होते जाएगा इतना शुरुआत करो किसी को दुख पहुंच गया हमारे वाणी से वर्तन से या विचार से तो प्रतिक्रमण करने का ये दादा भगवान इनको क्रोध किया उनके ऊपर भाव बिगड़ गए माफ़ी मांगते हैं मुझे क्षमा करो ऐसी गलती नहीं करने की शक्ति दो बस तीन वाक्य ये गलती हो गई उसकी माफ़ी मांगते हैं ऐसी गलती नहीं करने की शक्ति दो बेटे बेटियों के साथ गुस्सा आ गया हस्बैंड के ऊपर आर्ग्यूमेंट हो गए तो प्रतिक्रमण करने का प्रतिक्रमण से क्या है प्रेम बढ़ेगा और क्लेश कम होते जाएगा बच्चों के ऊपर तो करना पड़ता है गुस्सा हाँ तो प्रतिक्रमण करने का साथ में और शुद्धात्म मैं शुद्धात्मा हूँ ममता के पास प्रतिक्रमण कराने का ममता जी प्रतिक्रमण करो किसी को दुख नहीं देने का नहीं वो वो तो हम कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से किसी को भी दुख ना दें हाँ, तो तो हाँ, तो हाँ, तो अभिप्राय गलत है उनको समझा के काम करना है आर्गुमेंट करना डांटना गुस्सा करना वो हेल्पिंग नहीं है शुरुआत में एक दो बार सुनेंगे बाद में धीरे से रिएक्शन आएंगे और बाद में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में चले जाएंगे हमारे साथ प्रेम टूट जाएगा उसका ये सब चीजें हमें यही सब टेंशन नेगेटिव वो आते हैं कि हम हाँ, बच्चों का आगे क्या होगा हाँ, कुछ मतलब तो उसके जैसे लिए चल रहा है इसके लिए तो दादा, तो ये सब चीजें बहुत दादाजी की किताब है माँ बाप माँ बाप बच्चों का व्यवहार निरुमा की कैसेट है माँ बाप बच्चों का व्यवहार कैसेट है पचास कैसेट होंगी बच्चों के पास कैसे साथ व्यवहार करना तो जरूर जरूर सुनो पढ़ो कैसा वी देखो तो बहुत चाबियाँ मिलेगी सॉल्यूशन लाने की और प्रेम से व्यवहार कर सकेंगे क्लेश बिना का जीवन रहेगा हमारा जय सचिद किस किसने बताया था आपको राधिका हमारी फ्रेंड गीता गीता बजाज गीता बजाज ने बरोबर है वहाँ दूसरे भी राधे राधिका और महेश भी है महेश और राधिका भी है पर वो आई थिंक बहुत एरिया है ना वो बड़ा एरिया है थैंक यू जय सचिद जय सचिद कैलाश भाई मिस्त्री श्री जय सचिदानंद जय सचिदानंद पूज्य श्री च विराजमान आत्मा को सत प्रणाम मेरा ये क्वेश्चन था कि हम सभी आत्माओं को परमात्मा शिव या नारायण है कौन है सभी आत्माओं के परमात्मा सचमुच क्या है कि आत्मा का परम पिता कोई होता ही नहीं है आत्मा अविनाशी चीज उसका जन्म कैसे हो सकता है मृत्यु कैसे हो सकता है बाप कौन होएगा ऐसा होता ही नहीं सच्ची बात क्या है कि आत्मा की तीन दशाएं हैं गीता में स्पष्ट बताया एक एक जीवात्मा दशा है जो ज्ञान दशा बोला जाता है मैं ही पति हूँ मैं ही पुत्र हूँ मैं ही पिता हूँ यह ज्ञान तब मानते जैसे संजोग मिले वाइफ का संजोग मिला तो मैं पति हूँ बोलेंगे बेटे का संजोग आया तो मैं पिता हूँ बोलते पिताजी मिले तो मैं पुत्र बोलते तो ये रिलेटिव है जब तक अज्ञान था इसी को ही सत्य मानता है और जब ज्ञान हुआ तो मैं कैलाश नहीं हूँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ तब तो ये रिलेटिव अलग हुआ रियल अलग हुआ तो ये जागृति प्राप्त हुई वहाँ से अंतरात्मा दशा बोला जाता है आत्मा की दूसरी दशा शुरू हुई अंतरात्मदशा जीवात्मदशा छूटी अंतरात्मदशा और सभी फाइलों का निकाल पूरा हो गया तो एब्सुल्युट दशा में हम पहुँचेंगे उसको ही परम दशा एब्सुल्युट स्टेज ऑफ प्योर सोल वो परमात्मा दशा बोला जाता है परम आत्मा यानी बड़ा है परमात्मा पिता है और हम बच्चा ऐसा नहीं है आत्मा का ही फेजिस बदली होता है जैसे चंद्रमा है तो बीज का चंद्रमा त्रीज का चंद्रमा चौथ का वही पूनम होता है संजोग बदली होने से तो पूनम वाला परमात्मा बोला जाता है बीज वाला अंतरात्मा बोला जाता है और अंधेरा वाला अमास वाला जीवात्मा बोला जाता है चंद्रमा तो वही है पर आवरण की वजह से उसको स्वरूप बोला गया जीवात्मा अंतरात्मा और परमात्मा बाकी एक आत्मा दूसरे के साथ कोई लेना देना सचमुच नहीं है व्यवहार है पिता पुत्र का व्यवहार है पर अध्यात्म में तत्व ज्ञान में कोई आत्मा किसी का पुत्र नहीं है कोई आत्मा किसी का पिता नहीं है आत्मा खुद ही परमात्मा है एब्सोल्यूट दशा में पहुंचेगा निरालम दशा केवल दशा में तो खुद ही परमात्मा हो जाता है समझ में आया ना आपको समझ में मेरे को हरशिदा ने मेरे फ्रेंड है उन्होंने बताया था बहुत अच्छा और मेरे बॉस के साथ में अनबंद हो गई थी कुछ कारण लॉकडाउन में तो प्रतिक्रमण करने से मेरे को बहुत मतलब फर्क पड़ा मतलब लेकिन अभी वही है कि उनका उनका यही कहना है कि मैं कभी भी निकाल दूंगा हुँ? उनका बॉस के बॉस के साथ में अनबंद हुई थी हाँ तो बोल रहा है कि कभी भी मैं काम से निकाल दूंगा हाँ हाँ ओ तो हमें दादाजी से प्रार्थना करेंगे ये फाइल का संभाव से निकाल करना है और कुछ आगे आगे पॉजिटिव संजय मिल जाएंगे शुद्धात्मा को प्रार्थना करो प्रतिक्रमण हाँ में करता हूं। हाँ बस प्रार्थना और प्रत्यारह पंद्रह मिनट असीम जय जयकार बोलो और पंद्रह बीस मिनट दादा भगवान ना असीम जय जयकार बोलो दादाजी से प्रार्थना करें कुछ अच्छे पॉजिटिव संजोग मिले और व्यवहार संभाव से पूरा हो जाए मेरे को निमित्त मात्र बना के आप आ, और भी जीवात्मा को ये हाँ नहीं अभी अंतरात्मा दशा आई है फाइलों का संभाव से निकाल करते जाएंगे तो आगे की दशा पूर्ण तक पहुंचेंगे हम जय सचिदानंद जैसे मेरा मेरा भी जीवात्मा हुआ वैसे भी और भी मतलब किसी आ, को हाँ प्रार्थना करने के सभी किसी आत्मा का ज्ञान पाए और जीवात्मा में से अंतरात्मा दिशा पाए निमित मात्र बनू मैं बस बस भावना रखें बरोबर है बरोबर है जय सचिदानंद जय सचिदानंद चलो थोड़ा टाइम पूरा होता है हम समायिक की बात लेते हैं और सिंपल यही समायिक करनी है जो पहली दो आ गया है सभी को रिलेटिव स्वरूप से पैकिंग दिखता है अंकल है आंटी है मदर है सिस्टर है ब्रदर है वाइफ है हस्बैंड है और रियलेटिव में रिलेटिव स्वरूप जो है रिलेशन स्वरूप और रियल में खुद शुद्धात्मा है सभी को शुद्धात्मा स्वरूप से देखना है जीवन के जब से हम सम, समझते हुए बचपन से हम ये मेरे अंकल फादर है मेरी मदर है सिस्टर है ब्रदर है तो वहाँ से एक एक व्यक्तियों के घर के सब व्यक्तियों को लेना शुद्ध आत्मा देखो बाद में अड़ोसी पड़ोसी है उसमें देखो फ्रेंड्स फैमिलीस है स्कूल है कॉलेज है टीचर्स स्टूडेंट्स उसमें शुद्ध आत्मा देखो कॉलेज में आए प्रोफेसर है स्टूडेंट है फ्रेंड्स है क्लासेस वाले टीचर सभी को शुद्ध आत्मा देखते देखते जाओ बाद में हम किसी के रिसप्शन में गए तो वहाँ भी कितने आदमी देखे जो भी हमें फोटोग्राफी में याद आता है जितनी व्यक्तियाँ सभी को शुद्ध आत्मा देखो बिजनेस शुरू हुआ तो वहाँ कलीग है या असिस्टेंट है बॉस है या कस्टमर है सभी के शुद्धात्मा देखने हैं ऐसे एक एक जीवन की व्यक्तियाँ जितनी भी हमें मिली प्रत्येक को हम शुद्धात्मा स्वरूप से देखें ये तत्व दृष्टि से जितना देखेंगे उतना राग द्वेष नहीं होगा कर्मबंधन नहीं होगा नहीं तो ये अच्छा है ये बुरा है ये मेरा है ये पराया है राग द्वेष करते करते ही कर्म बांधे हैं अभी वो भी शुद्धात्मा है मैं भी शुद्धात्मा हूँ और रिलेटिव में फाइल स्वरूप है संभाव से निकाल करना है अच्छा बुरा हुआ तो हुआ सुव्यवस्थित किसी का दोष नहीं है रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक सरकमशंसल एविडेंस तो ये पाँच आज्ञा ऐसी है कि रागद्वेश छूटते जाएंगे और तत्व दृष्टि मजबूत होते जाएंगी तो हमें आज तो स्पेशल यही दृष्टि रखनी है कि सभी जितने भी जीवन काल में व्यक्तियाँ मिली है सभी को शुद्धात्मा देखेंगे उससे आगे किसी के प्रति ये देश विदेश वाले कोई है या नेता अभिनेता है सभी के लिए जो राग द्वेष होते सभी को शुद्धात्मा देखो जीवन व्यवहार में जितने भी व्यक्तियाँ मिली है सुना है उनका नाम किसी फोटो देखी है वीडियो देखी है एक एक व्यक्तियों को शुद्धात्मा स्वरूप से देखना है और जिसने ज्ञान लिया है वो थोड़ा डेस्ट में ज़्यादा जा सकता है कि पैकिंग रिलेटिव किस तरह से विनाशी है अविनाशी किस तरह शुद्धात्मा है वो एग्जैक्टनेस में देखो अनंत ज्ञान वाला शुद्धात्मा अनंत दर्शन वाला शुद्धात्मा तमाम संगी क्रियाओं से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा पैकिंग नहीं है खुद शुद्धात्मा ज्ञाता है सूक्ष्म दृष्टि से यानी गुण धर्म के स्वरूप से आत्मा को जुदा देखेंगे और पूरा सामायिक में ये शुद्धात्मा देखने की करेंगे चलो विधि करते हैं आशीर्वाद लेते हैं दादा भगवान का बोलिए मैं हे दादा भगवान हे दादा भगवान हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक जीवन व्यवहार में जीवन व्यवहार में मिली हुई प्रत्येक व्यक्तियों को मिली हुई प्रत्येक व्यक्तियों को रियल स्वरूप में शुद्धात्मा देखे रियल स्वरूप में शुद्धात्मा देखे रिलेटिव स्वरूप में पैकिंग स्वरूप देखे रिलेटिव स्वरूप में पैकिंग स्वरूप देखे ऐसे जीवन काल में मिले हुए ऐसे जीवन काल में मिले हुए प्रत्येक व्यक्तियों को प्रत्येक व्यक्तियों को केवल शुद्धात्मा स्वरूप से देख केवल शुद्धात्मा स्वरूप से देख के सामायिक करने की शक्ति दो सामायिक करने की शक्ति दो मेहमान वचन काया मेहमान वचन काया मेरे नाम की सर्व माया मेरे नाम की सर्व माया भाव कर्म भाव कर्म द्रव्य कर्म द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म, कर्म नो कर्म नो कर्म हे दादा भगवान हे दादा भगवान आप प्रगट आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में सुचरणों में समर्पित करता हूँ समर्पित करता हूँ मैं शुद्ध आत्मा 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 हूँ मैं शुद्ध मैं शुद्धात्मा मैं शुद्धात्मा मैं शुद्धत्मा मैं शुद्धात्मा आत्मा शुद्धत्मा मैं हूँ मैं शुद्धात्मा मैं शुद्ध आत्मा मैं शुद्ध आत्मा मैं शुद्धात्मा मैं शुद्ध आत्मा मैं हूँ मैं शुद्धात्मा मैं शुद्धत्मा मैं शुद्ध आत्मा हूँ 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 मैं मैं शुद्ध आत्मा जय सर रात को ध्यान करके सो जाना मैं शुद्ध आत्मा हूँ रोज पांच आज्ञा में रहने का पुरुषार्थ चालू रखना चरण विधि दादाजी की किताबें सत्संग के टच में रहना सभी महात्माओं को जय सच्चिदानंद ऑल वेस्टनर जय सच्चिदानंद टू तो एवरीबडी गामे गामना देश विदेश ना बदा महात्माओं ने जय सच्चिदानंद हज़ूम में जॉइंट हुए सभी हिंदी भाषी महात्माओं को जय सच्चिदानंद विधि लिया कल सभी को जय सच्चिदानंद <coughs>